तो गाइस बहुत जल्दी जो है हम इस ओशन मॉन्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन इसे ट्रांसफॉर्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है एक पायरेट शिप बनाऊं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि उस पायरेट शिप के अंदर जो है मैं बहुत अतरंगी तरीके के मॉब्स भी रखूं, ताकि वो जो है हमारे ओशन मॉन्यूमेंट के पास जो है बहुत ही बड़ी और अतरंगी शिप लगे। एंड इसके लिए जो है हमें सबसे पहले उन अतरंगी मॉब्स को कैच भी करना पड़ेगा, तो लगता है गाइस जल्दी से काम पे। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले जो हमें मॉब कैच करना है वो है स्केलेटन। अब तुम सोचो कि भाई स्केलेटन में क्या अतरंगी है, वो तो नॉर्मली मॉब है, वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है हमें रात होने का वेट करना पड़ेगा ताकि हम एक्चुअली स्केलेटन को कैप्चर कर पाए। एंड इतना जो है मैं जल्दी से जो है एक बोट और नेम टैग ले आता हूं, ताकि जब हम उसे कैप्चर करें वो जो है डिस्पोन ना हो जाए। ऑल राइट, ये रहा नेम टैग। अब जो है बस हमें उसके लिए एक जो है तगड़ा नेम सोचना पड़ेगा। क्या रखें भाई? झींगा सिंह। आप तुम पूछोगे झींगा सिंह का मतलब क्या है? आई हैव नो आईडिया, आई डोंट नो। मेरे को बस ऐसे दिमाग में चल रहा था झींगा, तो उसके आगे सिंह लगा दिया बेसिकली। आई थॉट इट मैचेस, मे बी रेसिस्ट कमेंट्स पास कर रहा हूं, आई डोंट नो। ऑलराइट, अब जो है बस हमें रात होने का वेट करना है, एंड फिर जो है पकड़ेंगे हमारे स्केलेटन को, एंड मैं बोट भी लेता हूं, बोट में कैप्चर कर लूंगा उसे, क्योंकि बोट में आसानी भी होगी। एंड यप, हियर बोट, लेट्स गो। जैसे मैंने कहा था कि रात होने का वेट करते हैं, लेकिन रात का वेट होने से पहले हमें जो है इस तरीके से यहाँ पे एक लाइक हट वगैरह बनानी पड़ेगी, ताकि जब दिन हो जाए तो वो जल के मर ना जाए। एंड इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि यहाँ से जो है हम उसको जल्दी निकाल के अपने पायरेट शिप के अंदर जो है, जो कि हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, उसके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट कर पाए इजिली। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी हट बना लेनी चाहिए आई सपोज, या यू नो यहाँ पे जल्दी से जो है छोटी सी हट बनाते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा वो शेड जो मैंने यहाँ पे बनाया। तो बेसिकली क्या करूंगा मैं, मॉब्स को जो है इधर से कैप्चर करके लेके आऊंगा, एंड सीधा जो है फिर उसको इधर से लेके आऊंगा, एंड इस शेड के नीचे जो है रख दूंगा, ताकि वो रात में ना जलें। एंड आई थिंक सो, ये जो है बहुत अच्छा आइडिया। एंड यहाँ पे, एंड स्पीकिंग ऑफ रात, भाई सब रात हो रही है। ऑलराइट, लेट्स वेट अ लिटिल बिट, एंड उसके बाद जो है सारे मॉब्स स्पॉन होने लग जाएंगे, फिर हमें सिर्फ स्केलेटन को कैप्चर करना है, लेट्स गो। ऑलराइट, रात हो चुकी है गाइस, अब जो है मॉब जो ढूंढना है, मॉब्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहीं पे स्पॉन हो गया। नाइस, बहुत ही बढ़िया, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत बढ़िया। लेट्स गो, बैठ इस पे, बैठ भाई, आ जा यार, बैठ जा। ओ मारना नहीं था, ओ बैठ गया, लेट्स गो। अभी मेरे को इसको बिठा के लेके जाना है, ये अभी मेरे को मारने कोशिश कर रहा है, लेट्स गो भाई, यही तो चाहिए था मेरे को। अभी जो हम इसको नेम टैग नहीं दूंगा, बेसिकली भी मेरे को करना क्या, इसको यहाँ पे लेके आना है यहाँ पे, एंड अब ये जलेगा नहीं। अब जो है बस मेरे को यहाँ पे खड़ा होके जाए, इसके एरोज को खाना है, जब तक इसकी जो है वो ब्रेक नहीं हो जाती, उसके बाद ये मेरे को कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड फिर इसको जो है फिर आराम से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, एंड फिर जो है मेरे को ये बेसिकली ऐसा लगेगा हमारे पायरेट शिप में कि ये कोई पायरेट है जिसके पास कोई वेपन नहीं है। ओ भाई, एंड या जैसे ये जो है इसकी बोट टूट जाएगी, उसके बाद हम इसको नेम टैग भी देते हैं ताकि डिस्पोन ना आए। ब्रो मजा आएगा। ओके बस गाइस, अब जो है वेट करते हैं यहां पे जब तक इसकी बोनी टूट जाती है ऐसे। तो गाइस मैं अभी रिसर्च कर रहा था, मेरे को पता चला कि स्केलेटन का बो ब्रेक नहीं हो सकता, बट एक स्केलेटन जो है बिना बो नैरो के स्पॉन तो हो सकता है। तो अभी जो है मतलब हमें उसकी तलाश में जाना पड़ेगा, इसको तो यहीं पे छोड़ते हैं। एंड भाई ऐसा स्केलेटन स्पॉन होना, आई डोंट थिंक सो, लाइक उसके चांसेस ही 0.5 समथिंग कुछ है ब्रो, नहीं होने वाला, आई डोंट थिंक सो होने वाला है। बट एक और मॉब है जिसको हम जो है ऐसे उसका वेपन तोड़वा के जो है लाइक नॉर्मल मॉब बना सकते हैं, वो है पिलेजर्स। तो या तो आई थिंक सो, इंस्टेड ऑफ टू मॉब्स मेरे को जो है दो पिलेजर्स को लेके आना चाहिए। एंड या झींगा सिंह जो है अब स्केलेटन से जो है पिलेजर बनेगा। अगर पीलेजर का टूट जाता ना भाई, इतना मजा आता ब्रो, सच में, व्हाट द हेल। ऑलराइट गाइस, वो वाला प्लान तो हमारा फेल हो गया स्केलेटन को लेके आने का। एंड या तो अभी जो है हमें पीलेजर को ढूंढना पड़ेगा, एंड ढूंढना भी क्या पड़ेगा यहाँ, मेरे पास में जो है एक पीलेजर आउटपोस्ट है, बेस के पास तो नहीं है, बहुत ज्यादा दूर पड़ जाएगा, लेकिन हमारे पास बोट है तो उसको हम ट्रैवल करके ले जाएंगे आई गेस। तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, रात में होने वाली, तो मैं सबसे पहले सो जाता हूँ, कभी बाद में मेरे को मॉब्स तंग वगैरह करे भाई, वरना दुखी कर लेते हैं भाई वो। एंड एक और चीज है, पीलेजर्स तो जो है जलते भी नहीं है, तो शेड की हमें एक्चुअली जरूरत नहीं थी। अरे यार मैं कितना फुद्दू इंसान हूं यार, व्हाट द हेल। ये रहा वो पिलेजर आउटपोस्ट, तो इधर से जो है मेरे को वहां से जो है बोट में बिठाना है पिलेजर को, लेके जाना है उधर भाई। आई थिंक सो काफी इजी होगा। सो या यहाँ पे नीचे आते हैं, ओ कैप्टन है, नाइस भाई, कैप्टन नहीं चाहिए हमें। ओके इधर 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 आओ, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस अब बाकी सबको जो है यहाँ से मार देते हैं, लेट्स गो लेट्स गो। एंड बूम, चलो भाई तुम मेरे साथ चलो। ओ भाई 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 भाई, भाई किडनैप हो गया क्या? लेट्स गो, किडनैपिंग हो गई इसकी। अब जो है बस इसको मेरे को सीधा बिठा के जो है लेके जाना है। एंड ऑल्सो गाइस, इतना मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और अगर तुम्हें अभी तक वीडियो चले गए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना, हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं। सो ये जल्दी कर दो यार, एंड आप जो इसको लेके चलता हूं मैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो हम जो है पहला पिलेजर को यहाँ पे ले आए हैं, एंड आई थिंक सो पिलेजर्स का जो है क्रॉसबो टूट जाता है, प्लीज टूट जाए यार, मेरे को रिसर्च करना पड़ जाता है। एक सेकंड, अगर मैं इसको छोड़ के जाऊंगा तो डिस्पोन हो जाएगा आई थिंक सो। आई थिंक सो मेरे को यहीं पे रहना चाहिए अभी। एंड यार देखते हैं इसका जो है क्रॉसबो टूटता है या नहीं।
पे टूट गया क्या ये? यस टूट गया, लेट्स गो। ओके अभी इसको जो है यहाँ पे गाइस अंदर जो है कैप्चर कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हमारा सबसे पहला शिकार झींगा सिंह जो है कैप्चर हो चुका है। ऑलराइट गाइस, अभी जो है हमें तीन और जो है पिलेजर्स को जो है लेके आना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो है यहाँ से मैं तीन बोट्स ले लेता हूँ। एक दो तीन, तीन हुए ना, पहले तीन एक और उठानी। ओके ऑलराइट, तो अब जो है चलते हैं पिलेजर टावर पे, तीन जो है उल्लुओं को पकड़ते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस यहाँ पे भी हम आ चुके हैं, तीन बोट्स लेते हैं एंड अभी जो है तीन और प्लेयर्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म नहीं है, ट्रांसपोर्ट होता है भैया, क्या फायदा स्कूलों में जाने का यार। सर चलो सर बैठ जा भाई। ओ अरे यार बैठ, वह हद कर रहा है भाई। ओके बैठ गया, लेट्स गो। ओके अब जो है गाइस इसको लेके चलते हैं जल्दी से, दूसरा भी हमारे जो है कब्जे में आ चुका है, लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे जो मैं एक और पिलेजर को ले आया हूँ, एंड अभी जो मैं सोच रहा हूँ दो और पिलेजर्स को ले आता हूँ, उसके बाद जो सबकी जो है क्रॉसबो इकट्ठी तोड़वा देंगे एंड फिर सबको जो है कैप्चर करके आराम से अपना पायरेट शिप पे जो है काम कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अभी जो है बाकी दो को भी ले आता हूँ जल्दी से, लेट्स गो। हेलो 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 गाइस, तो यहाँ पे जो है तीनों के तीन पिलेजर्स को मैं ले आया हूँ, झींगा सिंह, लिंगा सिंह, मिंगा सिंह एंड खड़ा होना है एंड ये करके बस कर भाई शील्ड की गाइस, ये जो है कोई वो ग्लिच है, ठीक है, इस वजह से मेरी एडवांसमेंट जो है वो हो जाती है, मतलब रिवर्ट हो जाती है। और ना बस अब जो मेरे को गाइस इस तरीके से यहाँ पे खड़ा होना है एंड जल्दी से अब जो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ एंड सबके जो है क्रॉसबो छुड़वा के तुम्हें मिलता हूँ, लेट्स गो। तो भाई जैसा आप देख सकते हो सबके सब जो है यहाँ पे आ चुके हैं, सारे के सारे पिलेजर्स एंड सबके मैंने क्रॉसबो भी तोड़वा दिया। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, मेरे को जाना है अपने बेस पे, थोड़ा आर्मर वगैरह मेरे को रिपेयर करना है, टूल्स वगैरह थोड़े से रिपेयर करने हैं एंड उसके बाद जो है नेम टैग्स लेके आते हैं ताकि जो है डिस्पोन हो ही नहीं। मेरे को पता है बोट में रहता है कोई मॉब तो डिस्पोन नहीं होता है, लेकिन स्टिल भाई माइनक्राफ्ट है, यहाँ पे कोई भी बग या ग्लिच वगैरह सकता है, क्यों रिस्क लेना। तो नेम टैग लगा देंगे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो होएंगे नहीं भाई, सब ग्लिच होके भी वो डिस्पोन नहीं होंगे। ऑलराइट, सो जल्दी से जो है अपने नेम टैग ले आता हूं। तो मैं पता है एक फन फैक्ट बताऊं मेरे वर्ल्ड के बारे में, आई डोंट हैव विलेजर ट्रेडिंग होल। मेरे इस वर्ल्ड में मेरे को 7300 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड मेरे पास कोई ऐसा परमानेंट लाइक विलेजर होल नहीं है जहाँ से मैं ट्रेड कर पाऊँ। मेरे पास सिर्फ एक कुछ विलेजर्स हैं जो कि टूटे हुए आयरन फार्म पे ही हैं, एंड इस आयरन फार्म पे भी सिर्फ जो है एक ही विलेजर है जिससे मैं नेम टैग वगैरह के लिए ट्रेड करता हूँ, एंड दैट्स इट। और कुछ भी नहीं यहाँ पे, लाइक ये वाला विलेजर देखो, इससे बस जो है मैं नेम टैग के लिए जो है ट्रेड करता हूँ, और कुछ भी नहीं, वो बस और कुछ भी नहीं है भाई। लिटरली मेरे को कभी कभार होता है, क्योंकि मेरे पुराने जितने वर्ल्ड है सबसे पहला काम मैंने क्या करा, मैंने विलेजर ट्रेडिंग होल बनाया, और इस वर्ल्ड में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा एंड स्टिल वी डिड सो मच प्रोग्रेस भाई। ऑलराइटी गाइस, तो मैं जो है नेम टैग ले आया हूं। अरे कहां गया, मैं डर गया था, मैं कहां चले गए, इधर है। ओके तो सबसे पहले वाले का नाम यस लिंगा सिंह, सेकंड वाले का मीका सिंह, यस मीका सिंह, एंड सेकंड तुम लोगों का फेवरेट स्पेशली जो 5 साल के बच्चे देख रहे हैं उसका सबसे फेवरेट यही होगा पक्का, ओगी सिंह, राइट। तो गाइस हमने जो इन सबको नेम टैग तो कर दिया है, ये रहा हमारा झींगा सिंह, लिंगा सिंह, मीका सिंह एंड ओगी सिंह, ये अभी मैं सोचूं तो साउंड्स काइंड ऑफ क्रिंज, बट कोई बात नहीं। या सो अभी जो है गाइस गाइस अपनी पायरेट शिप के लिए जो मटेरियल्स वगैरह भी कलेक्ट करने हैं तो उस पे लगते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले जो हमें मटेरियल चाहिए वो है ब्लैक वूल, अराउंड 600 हो जाती है, अराउंड बेसिकली 30 इन्वेंटरी फुल चाहिए, जितनी खाली तुम्हें डब्बे दिख रहे हैं इतनी इन्वेंटरी भर के जो है हमें ब्लैक वूल चाहिए बेसिकली। तो अभी चलते हैं बेस पे लेके आते हैं, और क्या ज्यादा मटेरियल एक्चुअली नहीं चाहिए मेरे को, बिकॉज इस पायरेट शिप को इतनी बड़ी बिल्ड नहीं है। सो ये अच्छी बात है कि फर्स्ट थैंक गॉड की इतनी बड़ी नहीं है, बट ऑल्सो गाइस हमें कुछ तरंगी चीजें भी चाहिए इसके लिए, तो लेट्स सी यार वो कैसे कलेक्ट होंगे, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा हार्ड है भाई, वो बहुत ज्यादा हार्ड है। ओके शेयर बना लेते हैं, शेयर काफी इंपॉर्टेंट है, एंड मेरे को ब्लैक, ओ अरे भर भर क्या ब्लैक डाई, तो नाइस यार। ओके गाइस यहां पे जो है सबकी सभी शीप्स को है जल्दी से मैं जो है ब्लैक कर देता हूं, व्हाइट साउंड्स काइंड ऑफ रेसिस्ट। आई थिंक आई एम मे बी रेसिस्ट भाई, क्या चल रहा है भाई, आई डोंट नो ये वाइट शिप कैसे आ गई यहाँ पे ब्रो, लाइक कैसे हो सकता है ब्रो, आई हैव नो आइडिया, पता नहीं कहाँ से जंप मारा, कहाँ से आ गई। गाइस जैसे मैं कह रहा था कि मेरे को नहीं पता ये जो है वाइट शिप यहाँ पे कैसे आ गई थी, सो इग्नोर दैट। ओके जल्दी से जो सारी को शेयर कर लेते हैं। ऑलराइट, तो जैसे मैं कहता था मैंने सारी की सारी जो है ब्लैक वूल कलेक्ट कर लिया, अब बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट मटेरियल्स की तरफ, सो या लेट्स गो। ऑलराइट गाइस अभी जो है नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए, लाइक उसके बिना तो लाइक ये बिल्ड बन ही नहीं सकती, तो या उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एंड डायमेंशन में, तो तुम्हें बताता हूँ क्या चीज, जल्दी चलते हैं। ओके एंड डायमेंशन, एंड में ना ओवरवर्ल्ड लग रहा था मेरे को। ऑलराइट मैं जा कर रहा हूँ, ठीक है ना यार, इस आइलैंड का मैं क्या करूँ, तुम लोग मेरे कमेंट से बताओ यार, अभी बहुत लोनली सा लगता है मेरे को, लाइक आसपास कुछ भी नहीं है इसके, बहुत लोनली लगता है। लाइटर की हेल्थ है अभी ना, मर जाऊँ तो यार
काफी जगह इसमें जिस इम्पोर्टेंट मटेरियल की बात करा तो वो मिलेगा हमें उस डायरेक्शन में। तो चलते हैं। ऑलराइटी, ये देखो भाई पहुंच गए हम एंड आइलैंड्स पे। यार इतनी दूर नहीं है, वो पास में ही है, बट स्टिल। ओ ये रहा शल्कर फार्म गाइस, जिनको नहीं पता मेरे वर्ल्ड में शल्कर फार्म भी है। एंड जो वो इम्पोर्टेंट मटेरियल की बात कर रहा था वो यहीं पे मिलेगा। तो यार अभी यहाँ पे आना है मेरे को, यहाँ पे आके मेरे को जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. तो या यही था वो इम्पोर्टेंट मटेरियल, 33 एंड स्टोन। आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। ऑलराइट, चलते हैं वापस अब ओवरवर्ल्ड में। ऑलराइटी, तो गाइस नेक्स्ट मटेरियल जो है हमें चाहिए काफी सारी स्प्रूस। एक सेकंड, स्प्रूस वुड चाहिए ना, एक सेकंड। स्प्रूस का तो हमारे पास फार्म भी है ना, ये उसको यूज करते हैं भाई। मैं तो यहाँ पे जाने वाला था, यहाँ पे जहाँ पे मैं यूजुअली माइन करता हूँ स्प्रूस वगैरह को। और स्प्रूस से भी याद आया, मतलब स्प्रूस से याद नहीं आया मेरे को कि हमने जो है यहाँ पे कल मेंशन भी तो बनाया था, कल नहीं मतलब पिछले एपिसोड में बनाया था। बट यार तुम लोगों ने अभी तक कॉमेंट्स में नहीं बताया कि क्या मैं अपनी वहाँ की स्टोरेज को, जो कि इस कॉलम के पीछे स्टोरेज है मेरी जहाँ से मैं हर एपिसोड स्टार्ट करता हूँ, उसको इधर मूव करूँ या नहीं। तुम लोगों ने बताया अभी तक कॉमेंट्स में, बताया यार जल्दी। एंड यहाँ पे जाके चेक करता हूँ क्या यहाँ पे स्प्रूस की वुड है। नहीं है भाई। तो कहीं तभी जो है यहाँ पे मैं थोड़ी देर एएफके करता हूँ। एंड यार उससे जो हमारे पास काफी सारी वुड जितनी भी चाहिए हमें। एंड या लेट्स गो भाई, इनको मारो सबसे पहले, तो इनको मारो। ओके क्रीपर हमें तंग नहीं कर रहा, उससे नहीं जाते हैं। ऑलराइटी भाई, इनफ है, मोर देन इनफ, लेट्स गो। एंड यहां से उठा लूं अगर जरूरत पड़ी तो। यप, मोर देन इनफ है, यप, लेट्स गो। तो इसी के साथ में मेन जो मटेरियल था हमारा एक्चुअली स्प्रूस ही था। हमें जो है स्प्रूस की स्लैब चाहिए थी, स्ट्रिप स्प्रूस वुड चाहिए थी, स्प्रूस की फेंस चाहिए थी। ओके गाइस, तो अभी जो मेरे थोड़े से मटेरियल्स कलेक्ट करने रहते हैं, तो जल्दी से जब वो कर लेते हैं उसके बाद जो है अपनी पायरेट शिप को बना पाएंगे। लेट्स गो। Alrighty guys, तो हमने जो है यहाँ पे सारे के सारे मटेरियल्स कलेक्ट कर लिए। तो या अभी जो तुम लोगों का मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ये आइटम्स लेके चलते हैं। एंड या मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली हम बनाने कहाँ पे वाले हैं। ओके तो गाइज मैं जो है बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं जो है यहाँ पे खड़ा हूँ आके, तो एक्चुअली मेरे को मटेरियल्स यहीं पे रखने चाहिए। जब मटेरियल्स मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंड मैं जो है बिल्कुल सामने बनाने वाला हूँ, कुछ अराउंड 20-30 ब्लॉक्स के डिस्टेंस रहेगा यहाँ से और मेरे शिप के बीच में। तो या एंड यहाँ पे जो है लाइक अच्छे खासे साइज की होगी, ज्यादा छोटी नहीं होगी ना ज्यादा बड़ी भी नहीं है। सो या आप जो है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लगते काम पे हैं एंड बनाते हैं हमारी पायरेट शिप। लेट्स गो। तो अभी गाइस मेरे को जो है स्पंजीज चाहिए, तो मैं तुम्हें बताता हूँ स्पंजीज क्यों चाहिए। एंड बाय द वे हमारा पायरेट शिप जो है रेडी हो चुका है। एंड भाई क्या लग रहा है ना वो देखने में, तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले जो है चलते हैं अपने पायरेट शिप पे। यार दूर भी तो बहुत ज्यादा ही हो गया है वो, अगर लाइटर ना हो तो भाई चलने में और वहां तक पहुंचे में आराम से 10-15 मिनट लग जाए। लाइटर होने के बावजूद भी पूरा मेरे को 1 मिनट लगता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम है। ओ भाई साहब देखो यार। ओके मेरे को लगा था छोटा रहेगा ये, बट यार दिस इज बिग यार, काफी मतलब डिसेंट साइज का है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे को एक्चुअली स्पंज क्यों चाहिए। अगर हम यहाँ पे आए तो भाई ये देखो भाई क्या लग रहा है अंदर से। यहाँ से मैं नीचे आऊंगा तो एंड ये देखो, ये नीचे जो है यहाँ पे पानी भरा पड़ा है। ये तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे नीचे में सारे में पानी भरा पड़ा, क्योंकि मैंने लाइट मैटिका मोड की मदद से बनाया, तो मैं जो है नीचे जो है पानी रिमूव नहीं कर पाया। ऑलराइट, तो अभी जो बेसिकली मेरे को इस तरीके से जो है यहाँ से सारा पानी निकालना है, तो जल्दी से निकाल देता हूँ। एंड तो गाइस देखो यहाँ से जो है सारा का सारा हमने पानी निकाल दिया है। एंड यहाँ रहिए कि ये यहाँ पे बीच में क्या करती है, नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यार अब जो है हम यहाँ से आ सकते हैं, ये रहा सबसे पहला नीचे का बेसमेंट। एंड इसके ऊपर आएंगे तो ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे सारे के सारे जो है बटलर वगैरह रहने वाले हैं। एंड यहीं पर एक्चुअली मेरे को उनको लेके भी आना है, तो या वो भी लेके आएंगे अभी हमारे सारे उनको बटलर। अब जिनको नहीं पता मैं बटलर किन को कह रहा हूँ, मैं उन पिलेजर्स को बिना क्रॉसबो वाले पिलेजर्स को बटलर बोल रहा हूँ। सो या वो जो है इन दो फ्लोर्स पे घूमेंगे। एंड यहाँ पे प्रोबेबली मैं जो है ब्लॉक कर दूंगा इस एरिया को, ताकि वो निकल ना पाए। मैं वो डोर के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो निकलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइटी, तो अभी जो है पूरा शिप दिखाने से पहले मैं जो है यहाँ पे एक जरा गड्ढा बना लेता हूँ। ऑलराइटी गाइस, तो यहाँ पे जो है मैंने एक गड्ढा सा बना दिया ताकि उनको जो है मैं लेके आ पाऊँ। तो अभी जो है लेने चलते हैं यहाँ से, आई थिंक सो बिल्कुल लाइक अंदर आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑलराइटी अभी लेने चलते हैं उनको। ओके तो सबसे पहले मैं जो है ले के जाऊँगा यहाँ पे ओगी सिंह को। ओगी सिंह मेरे साथ चलो आप, चलो भाई चलो लेट्स गो। ओरो भाई भाई क्रीपर निकल, भाई क्रीपर क्यों स्पॉन हो रहे हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लाइट अप करने भूल गया। डैम यार एक सेकंड, मैं इस तरीके से एक्चुअली यहाँ तक जो है इसको बेचारे को बिठा के यहाँ तक ले आता हूँ।
बिल्कुल सही एक नंबर। ऑलराइट गाइस, अभी जो है बाकी तीनों को भी जो है इस तरीके से ले आता हूँ यहाँ पे जल्दी से। ऑलराइट गाइस, मैं चारों को यहाँ पे ले आऊँ, लेकिन सबसे पहले जो है मैं थोड़ा नीचे से लाइट अप कर देता हूँ, वरना मेरे को क्यों लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि इन मॉब्स को कभी बाकी के मॉब्स ना मारते, बिकॉज अब जो है ये मॉब्स जो है ना पिलेजर्स ही होस्टाइल नहीं रहे, अब पैसिव मॉब्स बन चुके हैं। सो या जब इनकी क्रॉसबो टूट जाती है तो इनके स्टेट भी चेंज हो जाती है। सो लाइक मेरे को पता नहीं है कि वो मार भी सकते हैं नहीं मार सकते, सो या बस मेरे को वो नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। एंड ऑल्सो मैं एक और काम करता हूँ, ये देखो ये कवर कर देता हूँ, तो अब जो है ये यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब जो तुमने वो देखा वो होलोग्राम था, ठीक है, वो कोई ऐसा कोई लोड नहीं कर रखा था मैंने। ओके, अभी सबसे पहले यहाँ पे जो है लगा देता हूँ सारे में टॉर्चेस। ऑलराइटी, ये लग गई बाहर, आई डोंट थिंक सो मेरे को लगाने की जरूरत है, और खराब ही लगेंगे एक्चुअली उल्टा वो। तो गाइस फाइनली बारी आ चुकी है इनको आजाद करने की, सो सबसे पहला करते हैं हम आजाद सबसे पहले हमारे झींगा सिंह को। झींगा सिंह जी, यू कैन गो। अरे अच्छी यार, ए चलो दोनों के दोनों निकलो यहाँ से, निकलो, चलो इसकी तुम भी निकलो एंड तुम भी निकलो। एंड गाइस नाउ देखो, ओगी सिंह, झींगा सिंह, लिंगा सिंह, ये एंड मीका सिंह, सबके सब जो है आजाद हो चुके हैं, एंड वो जो है मेरी पायरेट शिप में घूम सकते हैं मजे से। एंड अब जो है वो डोर्स को ओपन नहीं कर सकते, तो मेरे को डोर्स को क्लोज रखना है, तो वो नहीं जाएंगे। एंड या गाइस, अब मैं बन चुका हूँ मेरे इस वर्ल्ड का अकेला पायरेट, बिकॉज इस वर्ल्ड में अकेला कौन है। एंड ये देखो गाइस, इसी के साथ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये रही हमारी पायरेट शिप जो कि कंप्लीट हो चुकी है विद 4 पायरेट्स इनसाइड। एंड ये देखो गाइस कितनी बढ़िया लग रही है दूर से देखने में, भाई मजा ही आ गया। तो गाइस आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रेनिंग देखनी है ओशन मॉन्यूमेंट की, जैसे मैंने पीछे कर रखी है, उसकी वीडियो जो आपकी सीन प्यारी हुई जाके देखो। एंड मिलता है, गुड बाय बॉयज एंड गर्ल्स।